नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बीस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर सोने और चांदी को लेकर एक बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम कई दिनों से तेजी पकड़ रहे थे और इसी बीच यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर आ रही है लाइव हिंदुस्तान की ओर से। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हो यहाँ पर सोने और चांदी के दाम में आई जबरदस्त गिरावट। जी बिल्कुल दोस्तों, विदेशों में दोनों कीमती धातुओं में गुरुवार और शुक्रवार को भारी गिरावट के कारण दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोना 890 रुपए लुढ़क कर ढाई सप्ताह के निचले स्तर यानी कि 39,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी गिरावट देखी गई है। चांदी के भाव में 2,700 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ एक सप्ताह के निचले स्तर यानी कि 48,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं आपको बता दें कि सोने और चांदी में यह नोटबंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि नोटबंदी के बाद 18 दिन बाजार बंद रहने के बाद बाजार खुलने पर ऐसी गिरावट देखी गई थी। उस समय सोना 1,750 रुपए और चांदी 3,100 रुपए टूट गए था। वहीं अगर कारोबारियों की सुने तो कारोबारियों ने बताया कि शुक्रवार को स्थानीय बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। सुबह से ही सोने और चांदी में गिरावट थी जो शाम तक बढ़ गई। विदेशों में मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को वहां सोना 2% और चांदी 5% लुढ़क गई। वहीं बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका में रोजगार के मजबूत आंकड़े आने से निवेशकों को सोने में सुरक्षित निवेश करने की बजाय पूंजी बाजार में जोखिम उठाना बेहतर समझा है। गुरुवार को वहां रोजगार एवं सेवा क्षेत्र के निजी आंकड़े जारी किए गए। अब निवेशकों की नज़र सरकारी आंकड़ों पर है। स्थानीय बाजार में लगातार 3 दिन की तेजी के बाद गिरावट देखी गई है। वहीं सोना स्टैंडर्ड 890 रुपए टूटकर 19 अगस्त के बाद के निचले स्तर यानी कि 39,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं सोना बिटूर भी इतनी लुढ़क कर बाजार बंद होते समय 39,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 8 ग्राम वाली गिन्नी भी 100 रुपए फिसल कर 39,600 रुपए पर आ गई। वही वैश्विक दबाव से चांदी में भारी गिरावट रही है। चांदी हाजिर 2700 रुपए टूट कर 48,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। चांदी वायदा भी 2,150 रुपए कमजोर पड़ गई और 48,000 प्रति किलोग्राम पर बोली गई। चलिए तो ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी खबरें। वही बात करें आज के हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न की, तो आज का हमारा प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है। उनका नाम आपको नीचे कमेंट करके देना है और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी करना है।